श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति। वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम श्री नंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावनम मनोहर वाछाकलपतरुश कृपा सिंधु विवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावै तुलसीदेवै पियावै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वै नमो नमः। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्भरण धैयम् सदा परिभवग्नम अविष्टदोहम् तेथास्पदम् शिव विरिञ्चनुतम् शरण्यम् वेत्तात्यहम् पनुतपाल भवद्विभूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनि छटाय विस्फुरजितकमपि गोपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अजानुलंबित भुजौ कनका बदातु संकीर्तनय कपितरौ कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अजानुलंबित भुजौ कनका बदातु संकीर्तनय कपितरौ कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनोऽङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि
yasyaste de sambhid tvam nishingamaham bhaji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Savai pungsam paro dharma yato bhakti radhakshaje ahetuki apratihata jayatma suprasidhati. Savai pungsam paro dharma yato bhakti radhakshaje ahetuki apratihata jayatma suprasidhati. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, Paramahansa Jagat Guruji ne bataya, आत्मा का एकमात्र कर्तव्य है हरि भजन करना परो धर्म. गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगतगुरु जी ने बताया आत्मा का परम धर्म है भगवत भजन करना. भगवत भजन छोड़कर कोई दूसरा कोई ड्यूटी कर्तव्य नहीं है. प्रभुपाद कहते हैं किसी भी हालत में आप रहो, किसी भी हालत में आप रहो, लेकिन हरि भजन कदापि छोड़ना नहीं. हरि भजन ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है, ड्यूटी है, हमारा आत्मा का एकमात्र कर्तव्य है. आत्मा का परोधर्म बोलते एब्सोल्यूट धर्म, भागवत धर्म. अधक्ष जो वस्तु भगवान में, अधक्ष जो वस्तु भगवान का चरण में अगर सेवा करने का इच्छा हुई तो ये जो सेवा है, ये जो सेवा है, इसका ही भागवत धर्म बोले. अधक्ष जो वस्तु भगवान में सेवा करने का वासना, इसका नाम है भगवत भक्ति. दुनिया में भगवत, दुनिया में भगवत भक्ति का बारे में आता सनातन धर्मों आत्मधर्मों का बारे में दुनिया में क्लियर कंसेप्शन नहीं है. बहुत सारे मायावादी भी अपने को सनातनी बोल के परिचय देता है. बहुत सारे पंचोपासक जो है, बहुत सारे पंचोपासक जो है, वो भी अपने को सनातनी सनातन धर्मी बोल के परिचय देता है. ये लोग अपने को सनातनी बोल के परिचय देता है, लेकिन सनातन धर्म का माने क्या है? पोपा जी ने बताया पंचोपासकी जो है वो अपने को वैष्णव बोल के परिचय देता है. जो पंचोपासकी हैं, पंचोपासक मतलब सूर्य, गणेश, शिव हैं, सूर्य, गणेश, शिव, दुर्गा, ये जो जो सब हैं, विष्णु, विष्णु को भी मानता है पंचोपासक. इसमें मानेगा सूर्य, सूर्य भगवान को मानेगा, गणपति महाराज, शंकर भगवान, दुर्गा देवी, और उसका साथ विष्णु को भी मानता है. वो लोग परिचय देता है हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग पंचापिस गए हैं, हम लोग पंचोपासक ही हैं. प्रभुपाद कहते हैं ये लोग बिल्कुल वैष्णव नहीं है, ये लोग बिल्कुल वैष्णव नहीं है. अपने को वैष्णव बोल के परिचय देता है लेकिन वैष्णव नहीं है. पंचोपिस का पंचो उपासना का अंदर में सूर्य भगवान, सूर्य भगवान को आराधना करने का व्यवस्था है, गणपति महाराज, सूर्य भगवान, शंकर भगवान, देवी और विष्णु. ये जो विष्णु, ये जो विष्णु का कंसेप्शन है मायावादी का या पंचोप उपासक करने वाले, पंचोपासना करने वाले, ये लोगों का ये जो विष्णु का बारे में कंसेप्शन है ये कंप्लीट नहीं है, अधूरा है. ये विष्णु को भी
शंकर दुर्गा काली जैसा एक हौचपौच, एक जैसा मान लेता है, वो एक ही है। पोपात कहते हैं ये लोग कदापि वैष्णव नहीं है, शुद्ध सनातनी जगत में सुदुर्लभ, शुद्ध सनातनी विशुद्ध प्योर सनातन धर्म पालन करने वाले जगत में ऑलमोस्ट नहीं है। सनातन धर्मों का माने हैं सदा तनोति इति सनातन, सनातन धर्मों ये सनातन शब्दों का, ये सनातन शब्दों का माने क्या है? सनातन शब्दों का माने हैं सदा, सदा प्लस तनोति, अर्थात हर वक़्त ये प्रोपागेट होते जा रहे हैं, सर वक़्त इसका जो प्रभाव ये चारों ओर फैलते जा रहे हैं। ये कभी किसी का उत्वाच, किसी का अत्याचार से, किसी का आक्रमण से ये रुकने वाला नहीं है। सनातन धर्म कभी रुकने वाला नहीं है। पूरा पृथ्वी में जितना सारे धर्म हैं देखो, यहूदी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध धर्म है, कितना सारे उटपटांग मारामारी हुआ है, धर्म का अप्स एंड डाउन है, लेकिन ये भारत में कितना बाहर का पावरफुल किंग सब आए हैं, कितना अत्याचार किया, मुस्लिम रूल, ब्रिटिश रूल, फारसी रूल, पर्तुगीज और भारत का अंदर में आया है, भारत को आक्रमण किया, भारत का जो धर्म है सनातन धर्म को आक्रमण किया, उसको ठेस पहुंचाया, कितना अत्याचार किया, स्टिल सनातन धर्मों कभी वो लोग रोक नहीं पाए। यहाँ तक कि पैसा देके, पैसा पेमेंट देके धर्म चेंज किया, धर्म पेमेंट देके पैसा देके धर्मांतर किया, मुसलमान धर्मों सब आदि, लेकिन सनातन धर्म का, सनातन धर्म का ऊपर इतना अत्याचार होते हुए भी, सनातन धर्म का ऊपर इतना अत्याचार, इतना इतना आक्रमण होने का बावजूद सनातन धर्म को कोई चेंज नहीं कर पाया, क्योंकि ये सदा तनोति, एवर ग्रीन, एवर प्रोपागेटिंग धर्म, इट कैन नेवर बी स्टॉप्ड, ये रुकने वाला धर्म नहीं है, ये रुकने वाला धर्म नहीं है। सनातन धर्म का ऊपर जितना अत्याचार हुआ, इतना अत्याचार किसी धर्म के ऊपर हुआ नहीं, फिर भी सनातन धर्म को कोई चेंज नहीं कर पाया, एक ही है। पोपात कहते हैं तमाम जगत में, तमाम जगत में धर्मों का नाम पे जो कुछ भी चल रहा है अत्याचार, तमाम जगत में धर्मों का नाम पे जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी धर्मों का नाम पे चल रहा है, सब पागलपंथी, कुछ नहीं है इसका अंदर। जगत में धर्मों का नाम पे जो सूच चल रहा है, जो कुछ चल रहा है जगत में, ये भगवत धर्मों परिपूर्ण रूप में कहता है। धर्मों का नाम पे जगत में जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सनातन धर्म में है, किसी धर्म को कंप्लीट नहीं है, कि यह आत्मा का धर्म है। सौ वही पुंगसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधक्षये, पुंगसाम मतलब, पुंगसाम मतलब शरीरधारी जीवों के लिए, शरीरधारी मानव के लिए। जीव तो खैर कोई भी जीव हो तो उसका तो धर्म, धर्म तो आत्मधर्म है ही है, लेकिन ये तो कर नहीं पाएगा। जब भी हर प्राणी का, हर जीव का धर्म है भगवत धर्म, आत्मधर्म, लेकिन तो कर नहीं पाएगा, तो इसलिए
সবই পুংসাম পরো ধর্ম অর্থাৎ মনুষ্য শরীর অর্থাৎ মনুষ্য শরীর ধারণ করকে যে আবির্ভাব হুয়া হয় জগৎ মে আয়া হুয়া হ্যায় জগৎ মে যে লোক যে প্রাণী মনুষ্য শরীর যে ধারণ করকে আবির্ভাব হুয়া হ্যায় এ লোক কা এক হি ধর্ম হ্যায় ইসকা নাম হ্যায় আত্মধর্ম ভাগবত ধর্ম নিত্য ধর্ম ইয়ে সনাতন ধর্ম ইয়ে পুরুষ শব্দকে দ্বারা এ পুরুষ শব্দকে দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রী এসা কনসেপশন লানে কা কোশিস মাত করে ইয়া যে সবই পুংসাম পরো ধর্ম ইয়া এ পুরুষ শব্দকে দ্বারা কবি আগর কই গলত সমঝে আগর কহে কে পুরুষ কা ধর্ম হ্যায় স্ত্রীয় কা ধর্ম নেই হ্যায় এ গলত ফেহমি গলত ভাবনা হ্যায় পুরুষ এ শব্দকে দ্বারা এ শরীরধারী জীব কো পুরুষ শব্দকে দ্বারা এ শরীর মানব শরীর কো এজ এ হোল বোলা গিয়া ইসমে স্ত্রী আর পুরুষ মেল ফিমেল কা বাত নেই হ্যায় ইসকো পুরুষ ইসলিয়ে বোলা গিয়া কিউকি ইসকা অন্দর মে পরমাত্মা রহতা হ্যায় ये शरीर का अंदर में परमात्मा रहता है ये शरीर मंदिर का बराबर है दिस बॉडी कैन बी कंपेयर्ड विद द टेम्पल इनसाइड व्हिच भगवान इज सिटिंग ऑलरेडी नाइन गेट यू कैन कैलकुलेट नाइन गेट नौ गेट नवद्वारे पूरे देही सुखम बसी नौ गेट है চক্ষু কর্ণ নাসিকা আদি ক্যালকুলেট কর মুহ ফির এসা করকে বিচার করকে দেখো তো ন গেট হ্যায় নাইন গেটস আর ন গেট কা অন্দর মে এক মন্দির হ্যায় শরীর এক মন্দির হ্যায় মন্দির কা অন্দর মে পরমাত্মা ভগবান বৈঠা হুয়া হ্যায় ইসলিয়ে পুরে দেহে বসতি ইতি পুরুষঃ পুরে পুরে মতলব শরীরে পুরে মতলব শরীর কা অন্দর মে বৈঠা হুয়া হ্যায় ইসলিয়ে পুরুষ ইসমে দো পুরুষ হ্যায় ইসমে দো পুরুষ হ্যায় এক হ্যায় পরমাত্মা এক হ্যায় জীবাত্মা পুরুষ শব্দ কা এক মানে হমনে বোলা অর্থাৎ পুরে শরীরে বসতি থি পুরুষঃ অর এক মানে হ্যায় অর এক অ্যানাদার মিনিং হ্যায় পৌরুষ আমার অন্দর মে ফলস ইগো হ্যায় ডুয়ারশিপ ইসকো বোলে পৌরুষ মেরা ক্ষমতা সে কর লেঙ্গে হম এই যো আপনা বল ভরোসা আপনা যো তাকত পর আপনা তাকত পর ভরোসা পয়সা কা বল পর ভরোসা লোক বল পর শারীরিক বল পর বিদ্যা বল পর এই যো তাকত এই যো অভিমান হ্যায় ইসকা নাম পৌরুষ ইসকা নাম হ্যায় পৌরুষ সংস্কৃত মে ইসলিয়ে দূসরা এক এক্সপ্লানেশন হো সকতা যে জীবাত্মা কা অন্দর মে অভিমান অহংকার হ্যায় পৌরুষ হ্যায় মে করকে দিখায়েঙ্গে এই যে অভিমান হ্যায় ইসকা নাম হ্যায় পৌরুষ এই যে পুরুষাকার পৌরুষ এ পরমাত্মা ভগবান কে লিয়ে ভেরি ফিটিং কিউকি ভগবান রিয়েলি অ্যাবসলিউট ভগবান কা পাওয়ার তো অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভগবান কা তো অ্যাবসলিউট পাওয়ার হ্যায় লেকিন জীবো কা লিয়ে যে এই যে অভিমান হ্যায় লেকিন ক্ষুদ্র টিনি জীবাত্মা ইনফিনাইট স্মল এই জীবো কা অন্দর মে যে অভিমান হ্যায় এ টোটালি ফলস হ্যায় ইউজলেস লেকিন দোনো কা অন্দর মে অভিমান হ্যায় এক হ্যায় অ্যাবসলিউট অভিমান ভগবান কা ভগবান তো ভগবান হ্যায় ইসমে তো কই দোষ নেই আর জীবো কা অন্দর মে যে অভিমান হ্যায় ফলস হ্যায় তো দোনো কাহি পুরুষ বোলনে কা কারণ এসা হ্যায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুজি নে হাম লোগো কো শিক্ষা দিয়া পহলে আপ ভূত শুদ্ধি করো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুজি নে হাম লোগো কো শিখায়া
try to go out of your body conception. First of all, your duty. You are confined within your body and mane gross body and subtle body. Chaitanya Mahaprabhu ka pahla siksha, iska bahar jao, nahi to kabhi kuch nahi hone wala. Sri Chaitanya Mahaprabhu ji ne bataya, pehle vichar karo, ye sharir abhi manav janma liya hai. Kal aisa bhi ho sakta, hamara karma phal kharab hai, koi janwar banke abhirbhav ho jaye. इसका कोई ठीक नहीं है. आज ये मानव जन्म का मिसयूज किया, हमारा ह्यूमन बर्थ का मिसयूज किया, तो ये भी हो सकता है नेक्स्ट लाइफ आई कैन टेक ए बर्थ इन बिस्ट यू नो जर्नी. कोई ठीक नहीं. इसलिए महाप्रभु जी ने पहले सिखाया, चिंता करो, आत्मा का चिंता करो. आत्मा का ऊपर जो कवरिंग है इसमें कंसेंट्रेशन मत करो. इसमें अगर कंसेंट्रेशन करते रहोगे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा. इसीलिए महाप्रभु जी ने बताया, ना तो तुम, हम ब्राह्मण हैं, मैं ब्राह्मण हूँ ये अभिमान है, मैं क्षत्रिय हूँ ये भी अभिमान है, क्षत्रिय मैं क्षत्रिय हूँ, आई एम क्षत्रिय, आई एम ब्राह्मण, ऑल फॉल्स ईगो, सारे फॉल्स ईगो, ऑल रिलेटेड विथ योर बॉडी एंड मेटेरियल माइंड, नो कनेक्शन विथ आत्मा. आत्मा इज नो किंग. आत्मा कभी राजा नहीं, कभी प्रजा नहीं, कभी लड़की नहीं, कोई लड़का नहीं, कुछ विचार नहीं. आत्मा कभी भी कुछ शरीर पकड़ ले कर्मफल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कर्मफल आत्मा कोई भी शरीर पकड़ ले, समझा ना, ऐसा ही नियम है. इसलिए महाप्रभु जी पहले बोला, आप पहले शरीर का कंसेप्शन, माइंड का कंसेप्शन, जितना भी टाइटल है आपका जिंदगी में, जितना भी टाइटल आपका जिंदगी में प्राप्त हुआ है, चाहे प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट, कुछ भी हो, ये परिचय हमारा अपेरेंट परिचय, अपेक्षिक परिचय, ये परिचय हमारा नहीं है. हमारा परिचय है भगवान श्री कृष्ण का दास, मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य इटर्नल सर्वेंट, बस यही परिचय है हमारा. श्री चैतन्य चरितामृत में हम लोग काल विचार करते हुए, काल हम लोग विचार करते हुए देखा है, जब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं, आप मेरा पिता हो, यू आर माय फादर, ब्रह्मा कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण मजे में आकर, जब ब्रह्मा कह रहे हैं तो ठाकुर आप मेरा तो पिताजी हो, यू आर माय फादर, भगवान श्री कृष्ण कहते हाँ, हाउ आई एम योर फादर, I am not your father. I am a coward boy. Brahma कह रहे no, you are father. How? How? Then Bhagwan कह, then Brahma कह रहे Narayan coming from you. Narayan तुम्हारा अंश है. और हमारा जन्म Narayan का नाभि कमल से हुआ है. नारायण का भी आदि हो आप. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण, आप सब कारणों का कारण है. और जब कुछ भी अनंत ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में जहाँ जो कुछ भी है, सबका ओरिजिनल रूट कॉज आप हो. सो नारायण का नाभि कमल में मेरा आविर्भाव हुआ है, तो फिर क्या हुआ, हम आप ही का बेटा है. नारेर अयन जाते करो दर्शन तहतो हौ तुम्हें मूल नारायण. नार का व्याख्या किया, तमाम लोगों का, तमाम नार शब्द सब जीवेर निचो है,
नार नार दी शब्दों के द्वारा सर्वजीव को निचोय, निचोय मतलब प्राकृत सृष्टि माया प्रकृति, प्राकृत सृष्टि माया प्रकृति का अंतर्गत विषय है। भूमि राप अनलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में प्रकृति रस्वता, मेरा प्रकृति वर्किंग इन 8 different ways, 8 different parts होके मेरा प्रकृति काम करता है जगत में। अपरेयम अपरेयम एक श्लोक है इति गीता का, एक अपरेयम इतस्तु अन्यम ये श्लोक है, इसके द्वारा ये प्रमाण होता है जे वाक्को मौन बुद्धि अहंकार जितना सारे ये लिंग जगत भूम्यादि पांच भौतिक पांचों महाभूत रूप हर कुछ माया, ये प्रकृति है। मेरा जो माइंड है मन है ये भी प्रकृति है, मेरा जो इंटेलेक्ट है ये भी प्रकृति है, सब प्रकृति है। और शुद्ध जीव शुद्ध जीवात्मा जो है, शुद्ध जीवात्मा जो चिन्मय जीवात्मा है अंदर में, ये मैटर नहीं है। ये जो शुद्ध जीवात्मा है जिसके कारण हमारा शरीर चल रहा है, जो जीवात्मा शरीर का अंदर में रहने का कारण मैं बोल पाता हूँ, खा पाता हूँ, देख पाता हूँ, सब कुछ एक्शन चल रहा है, ये हमारा आत्मा है। इसीलिए आत्मा चिन्मय है, देखा नहीं जाता। वेदांतों में बोला आत्मा ऐसा एक चीज है, बाय एग्जांपल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्लारिफाई दिस पॉइंट। आत्मा कैसा है बोले नियर अप्रोक्सीमेशन वी कैन स्पीक समथिंग, नियर अप्रोक्सीमेशन गुणात आलोकबोध, स्पिरिट इज लाइक लाइट पार्टिकल नॉट लाइट पार्टिकल। इफ यू सी लाइट, आपने अगर बोल दिया लाइट पार्टिकल दैट भी मैटर है, ये भी नेचर है, लाइट पार्टिकल इस जगत का, लेकिन आत्मा गुणात आलोकबोध क्वालिटेटिवली लाइक लाइट, हैव सम इफल्जेंस, हैव सम ब्राइटनेस, लाइट लाइट जैसे लाइट जल रहा है चारों ओर उजाला हो गया। हमारा आत्मा शरीर का अंदर में है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट आत्मा होल बॉडी वर्किंग इज वन कैन ऑफ प्रकाश। हाउ आई नो आत्मा इज देयर, आत्मा अंदर में है, दैट आत्मा का प्रभाव, आत्मा का जो इन्फ्लुएंस पूरा बॉडी के एक एक लिम्स, एक एक ब्लड वेसल में हर जगह चल रहा है। ये लाइफ का डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है, लाइफ इज देयर। श्रीमान महाप्रभु जी ने एक एग्जाम्पल दिया, श्रीमान महाप्रभु जी ने प्रमाण दिया, महाप्रभु जी ने बताया देखो दक्षिण भारत का साउथ इंडिया का सबसे कॉस्टली जो चंदन है, दक्षिण भारत का सबसे कीमती जो चंदन है सैंडलवुड, इतना सैंडलवुड इतना 5-10 हजार, इतना छोटा, इतना कॉस्टली है, इतना छोटा, इसका नाम है मौलाज चंदन। ये मौलाज चंदन अगर घिस के, मौलाज चंदन चंदन घिस के थोड़ा सा चंदन का टीका इधर लगा दो, एक चंदन का टीप इधर लगा दो, मौलाज चंदन इतना चंदन का दाम है 5-10 हजार रुपया, 10 हजार, 10,000, इतना सा, इतना कॉस्टली है ये। इट इज वन काइंड ऑफ मेडिसिन। यदि अगर आपका शरीर जल रहा है, इफ योर बॉडी बर्निंग, वो चंदन पानी के अंदर में घुसा के रख दो, नाइट टाइम पानी के अंदर में रख दो, सुबह में वो पानी पी लो, बस पूरा शरीर ठंडा, इतना कॉस्टली है ये चंदन। महाप्रभु कह रहे हैं,
Mapu कह रहे अगर मलज चंदन का एक घिस के थोड़ा सा टिप चंदन लेके इधर लगा दो पूरा पूरा शरीर कूल ठंडा रहेगा। मापो कह रहे हैं चंदन का टिक्का इधर लगाया चंदन का बिंदिया इधर लगाया लेकिन पूरा इफेक्ट कैन गो थ्रू आउट द बॉडी इतना आयुर्वेदिक मेडिसिन है। सिमिलरली आत्मा शरीर का अंदर में है वो इतना स्मॉल है इतना इन्फिनेट स्मॉल है जे कोई यू कैन एक्सप्रेस बाय वर्ड सो स्मॉल फिर भी ये आत्मा का उपस्थिति के कारण फिर भी ये आत्मा का उपस्थिति का कारण पूरा शरीर जितना सारे लिम्ब्स है अंग प्रत्यंग सब चल रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट इनफिनाइट स्मॉल आत्मा ड्यू टू प्रेजेंस दैट इज द इफेक्ट। वो जो उपस्थित है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आत्मा इसका इफेक्ट पूरा शरीर में हाउ इन्फ्लुएंशियल। सो आत्मा ऐसा है नार शब्दों के द्वारा तमाम जीवों का सपोर्ट है तमाम जीवों का बेस है सपोर्ट है और अयन अयन मीन आश्रय नार मीन तमाम इन्फिनिटी जीवास नार मीन इन्फिनिटी जीवास एंड अयन मीन सपोर्ट नारायण वन से नारायण नारा प्लस अयन नारायण हलो बंगाली और संस्कृत ग्रामर इफ यू लर्न देन यू कैन आइडिया नरो युक्त आयन नारायण नरो मतलब ऑल इन्फिनिटी जीवर दे आर सपोर्टिंग बेस इज दैट अयन सपोर्ट ये नारायण। सो ब्रह्मा हर हालत में प्रमाण करना चाहा कि कृष्णो तुम मेरा पिता हो। अगर नारायण विष्णु बोल रहे अगर कृष्ण बोल रहे हैं कि नारायण तुम्हारा पिता है तुम तो नारायण से पैदा हुआ है बोले नहीं आप नारायण से हैं लेकिन आप जो है मूल नारायण ओरिजिनल नारायण आप है ओरिजिनल नारायण आप है। अच्छा हाँ ओरिजिनल नारायण आप हैं क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों का आप सपोर्ट है। नारायण से मेरा आविर्भाव हुआ ठीक है नारायण से मेरा आविर्भाव हुआ इसमें कोई बात नहीं लेकिन आप मूल ओरिजिनल नारायण आप हो ओरिजिनल मूल नारायण। एक एक करके उदाहरण देते जा रहे हैं पहला उदाहरण दिया था मिट्टी मिट्टी मतलब माड ये माड हम नदी का किनारे से लाया और घट पट निर्माण किया मिट्टी के कलश मिट्टी लाया नदी से मिट्टी से हमने बर्तन बनाया ग्लास बनाया थाली बनाया हैं कलश बनाया मिट्टी का क्ले क्ले का बर्तन यूटेंसिल हो सकता है क्ले का बनाया गया पानी का पात्र हो सकता है पानी जो है पानी का लेकिन ओरिजिनली इट इज क्ले आर्ट दो टेकिंग द फॉर्म ऑफ सम पिक्चर और पॉट यू नो और ग्लास मे बी बट ओरिजिनली द आइडेंटिटी इज ये मिट्टी का ग्लास है मिट्टी का पॉट मिट्टी का कलश है सब ठीक है लेकिन ओरिजिनली तो है मिट्टी है ओरिजिनली तो मिट्टी है ना। तो ये उदाहरण दिया भगवान ने ये उदाहरण दिया प्राकृता प्राकृत सृष्टि जत जीव रूप ताहार जे आत्मा तुम्हें मूल स्वरूप पृथ्वी आर्थ क्ले जैसे घटपट का कारण है घटपट कुछ नहीं है एक क्ले है सम शेप एंड डिजाइन दिया गया और कुछ नहीं है
जीवेर निदान और जीवो का आप ही सपोर्ट तुम आप है सर्वो आश्रय ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण नार आयन इसका व्याख्या किया अतएव आप ओरिजिनल नारायण हो। जीवेर ईश्वर पुरुषादि अवतार पुरुषादि मतलब कारण गोसाई गर्भोद गोसाई खेरोद गोसाई सारे आपसे आया हुआ है। जीवेर ईश्वर पुरुषादि अवतार ये सभी का तुम्हार ये सभी तुम्हारा ये सभा होते तुम्हार ऐश्वर्य अवतार जितना सारे पुरुष अवतार कारण गोसाई गर्भोद गोसाई खेरोद गोसाई सब अनंत ब्रह्मांडों का जो प्रकाश हुआ है जहाँ जो कि ईश्वर जो है ये लोगों का जो ईश्वर जो है इससे आप बहुत ज़्यादा ईश्वर जो अपार आपका एंडलेस है। जब भी नारायण का भी एंडलेस है फिर भी अतएव सो अतएव आप सर्व अधीश्वर और सब कोई का पिता हो ओरिजिनली आप हो। नारायण भी आपसे आए हुए हैं हैं किरुद गुसाई गर्भ सब कुछ भी है सब आपसे आए हुए। आपका जो शक्ति है आपका जो एक्सटर्नल पोटेंसी है आपका शक्ति से जगत एक्टिव फॉर्म में दिखाई देता। दिस मेटेरियल वर्ल्ड सिम्स टू बी वेरी एक्टिव ड्यू टू योर एक्सटर्नल पोटेंसी बहिरंग माया। आपका शक्ति से पूरा जगत चल रहा है आपका शक्ति से जगत प्रोटेक्टेड है। जगत प्रोटेक्टेड हमारा शक्ति में जगत रक्षित था। नारेन नारेर अयन जाते करोह पालन अतएव तुम्ही मूल नारायण सो आप मूल नारायण हो। तीसरा कारण बताए आप सुन लो हे ठाकुर हे कृष्णो आप सुन लो। तीसरा कारण सुनो भगवान अनंत ब्रह्मांडो इन्फिनिटी ब्रह्मांडो बहु वैकुंठ आदि धाम ये मेटेरियल जगत है। हमने बोला ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है इन्फिनिटी वर्ल्ड ये भगवान का पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ पावर सामान्य बाकी तीन पद अलग है। सो अनंत वैकुंठ अनंत ब्रह्मांडो मेटेरियल वर्ल्ड इस ये तो प्राकृत जगत है। इसका बाद बहु वैकुंठ आदि धाम और प्राकृत जगत में है। यहाँ जितना भी जीव है वैकुंठ जगत में आपका पार्षद हो सिद्ध हो जीव जो कुछ भी है जितना सारे जीव है इन लोगों का त्रैकालिक कर्म इथे जतो जीव तार त्रैकालिक कर्म ताहा देखो साक्षी तुमी जानो सब मर्म। हर जीवों का अंदर में आप परमात्मा का रूप में एज ए विटनेस यू आर सिटिंग इनसाइड भगवान अब हर प्राणी का अंदर में विटनेस साक्षी का रूप में विराजमान सब जानते हो। साइमल्टेनियसली एट ए टाइम इन्फिनिटी वर्ल्ड एनीथिंग हैपनिंग सब आप जानते हो एट ए टाइम। तुम्हार दर्शन सर्वजगत स्थिति ए इन्फिनिटी वर्ल्ड जगत का स्टेबिलिटी है आप कृपा करके इसको रखे हो। आपका दर्शन कृपा दृष्टि से तमाम इन्फिनिटी जगत का स्टेबिलिटी दिखाई पड़ता है। आप अगर अपना नज़र को उठा लो कृपा बंद कर दो सब बंद हो जाएगा।
तमाम तमाम जगत स्टैग्नेंट कंडीशन में आ जाएगा, स्टैग्नेंट। अगर भगवान आपका कृपा दृष्टि नहीं हुई, अगर आपका कृपा दृष्टि नहीं हुई, सब बंद हो जाएगा, ऑल स्टैंड स्टिल। जब मेटेरियल क्रिएशन का शुरुआत में, जब मेटेरियल क्रिएशन का शुरुआत में भगवान ने बोला ऑल आइटम हमने दे दिया, अब आप सृष्टि करो, सृष्टि करो, ऑल आइटम हमने दे दिया। देवता लोग प्रार्थना करे, ठाकुर जी आपने सब कुछ दे दिए हो, लेकिन फिर भी वी आर अनेबल। आप सारे आइटम दे दिया है, इंग्रेडिएंट्स टू क्रिएट दिस वर्ल्ड, वर्ल्ड ब्रह्मा ने सृष्टि किया, इसके बाद विशेष जो बाकी जो है ये संभव नहीं है। तो भगवान ने हर वस्तु का अंदर में इंट्रोड्यूस हो गया, होके एक रिदिम लाया, एक छंद, इसका बाद धकाधक सृष्टि हो गया। बेसिक क्रिएशन ब्रह्मा ने किया, इसका बाद बहुत सारे रिफॉर्मेशन है, दिशा है। तो जैसे हमने फैक्ट्री का उदाहरण दिया, याद है ना, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल है, मैनेजर है, फोरमैन है, और लेबर है, सब मशीनरी है, सब कुछ है, डायरेक्टर है, बट सारे फंक्शन स्टैंड स्टिल हो गया, क्योंकि करंट नहीं है। करंट अगर नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है, रॉ मटेरियल हो सकता है, रॉ मटेरियल क्या करे, इतना रॉ मटेरियल दे क्या करे, रॉ मटेरियल अगर प्रोसेस करे उसका बाद प्रोडक्ट निकल के आएगा, लेबर लोग हैं, मजदूर लोग, इसके बाद पैकिंग होकर मार्केट में जाएगा, मार्केट में सेल होगा, इसका बाद मानी रिटर्न आएगा, उसका बाद चलेगा साइकिल। लेकिन करंट अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, सारे मशीनरी सिस्टम है, रॉ मटेरियल है, फैक्ट्रीज है, सब कुछ है, लेकिन करंट अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, विदाउट करंट ऑल यूजलेस। लेकिन करंट को देखा नहीं जाता, कैन यू सी व्हाट इज करंट, हाउ टू लुक लाइक, नोबडी कैन सी। आश्चर्य शक्ति, करंट का इतना शक्ति है, लेकिन नोबडी कैन सी व्हेयर इज करंट, इतना पावर है। तो सब भगवान का, नारेर आयन जाते करो दर्शन ताहा तो होम तुम्हें मूल नारायण। ब्रह्मा एनी हाउ वांट टू प्रूव दैट यू आर द ओरिजिनल नारायण। ब्रह्मा हर हालत में प्रमाण करना चाहता है कि मूल नारायण। नारेर आयन जाते करो दर्शन ताहते हो तुम्हें मूल नारायण। कृष्ण कहे ब्रह्मा तुम्हार ना बुझी वचन। कृष्ण जोकिंग विद ब्रह्मा, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन टू से। कृष्ण ब्रह्मा का साथ मजा कर रहे हैं, ए व्हाट यू से आई डोंट अंडरस्टैंड। कृष्ण कहे ब्रह्मा तुम्हार ना बुझी वचन। जीव हृदय ज्वले बैसे सही नारायण, एवरीवेयर नारायण इज देयर, व्हाई यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व मी। कृष्ण स्पीकिंग, हम तो कावर्ड बॉय, हम तो ग्वारिया है वृंदावन का, वो तो जो कुछ कर रहा है नारायण कर रहा है, नारायण पानी में सो रहा है, नाबिल नब तुमने निकाल आया उधर से, तो हमको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। कृष्ण कहे ब्रह्मा आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन टू से। कृष्ण कहे ब्रह्मा तुम्हारा नाबुझी वचन। जीव इनसाइड जीवा इनसाइड खीर सागर और कारण सागर और गर्भोदय सागर, ओ तो नारायण, वेयर कृष्ण, आई एम नॉट देयर, नॉट देयर, ऑल कृष्ण। ब्रह्मा कहे इनसाइड वाटर और इनसाइड जीव व्हाट नारायण देयर, ऑल कमिंग फ्रॉम यू, सो यू आर ओरिजिनल नारायण। ब्रह्मा कहे जले जीवे जय नारायण से सब तुम्हार अंश, ये सत्य वचन, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ एब्सोल्यूट विचार। जे खीरद गोसाई में, गर्भोदय गोसाई में, कारण गोसाई में, यह आज तो जीवों का हृदय का अंदर में जो कुछ भी है, जो नारायण है, ठीक है, ओके, बट नारायण
originally from you. Brahma kahe jale jibe, Brahma kahe jale jibe, jai Narayan, sei sob tomar ongsho, e satya bachan. Karanadhi, garbhadoko sai Vishnu, Karanadhi, garbhadoko kherodoko sai, maya dara srishti kare, tate sob mai. Karunanubha Sahi, looking, Karunanubha Sahi, aapka prakriti ka os dekha, dishti diya, iska baad prakriti ka garbho sancharit hui, to aap mool father, mool original ho, Karunanubha Sahi, Karunanubha Sahi, माया का ओर देखता है माया देखने बाद महत्त्व डिफॉर्मेशन होके प्रकृति अब मैच्योरिटी होके इस मटेरियल क्रिएशन दिखाई पड़ा सारे गर्भोगसाई ए भी इसका साथ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो नहीं है माया का साथ कनेक्शन है इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली और जो गर्भोदक क्षीरोदक साई जो है इसका भी माया का साथ कनेक्शन डायरेक्टली नहीं है थोड़ा सा इनडायरेक्टली है ही है सबका सेई तीन जलोसाई सर्व अंतर्जामी कारणोनव साई गर्भोदक साई और क्षीरोदक साई कारणोनव साई हर ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गया कारणोनुभव साई हर एक एक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गया आ जाके वहां गर्भोदक साई एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदक साई फिर एक एक ब्रह्मांड का अंदर में खीर सागर है इसमें क्षीरोदक साई विष्णु शयन किया है जहां ब्रह्मा सब देवगण को लेकर जहां ब्रह्मा जी तमाम देवगणों को लेकर और पृथ्वी देवी धरती मैया जो रोई जो हमारा बहुत अत्याचार कर रहा है देखो असुर लोग पृथ्वी देवी पृथ्वी मां अर्थ मदर टुक द फॉर्म ऑफ काउ एंड केम इन फ्रंट ऑफ ब्रह्मा क्राइंग आई कैन नॉट बी अ देयर टॉर्चरिंग मी उसके बाद पृथ्वी देवी को लेकर ब्रह्मा शंकर सारे देवगण क्षीरोदक साई का तीर में गया जाके हैं स्तुति किया भगवान का स्तुति किया भगवान का स्तुति करने का बाद भगवान ने रिस्पांस किया भगवान ने रिस्पांस किया ब्रह्मा जी को कोई चिंता नहीं है हम सब जानते हैं चलो हम आविर्भाव लेंगे हम जाएंगे आविर्भाव लेंगे जाओ कोई बात नहीं ये सारे जो है कारणादस कारणाधि गर्भदुको अखिरदुको साई सारे जो है माया द्वारा सृष्टि करे ताते सब माई इनडायरेक्टली दे हैव सम कनेक्शन विद माया दे एक्चुअली माया कैन नॉट टच देम स्टिल एतिन जलसाई सर्व अंतर्यामी ब्रह्मांड वृंदेर आत्मा जे पुरुष नामी ब्रह्मांड वृंदेर आत्मा द लाइफ एंड सोल ऑफ इच ब्रह्मा ब्रह्मांड आत्मा ब्रह्मांड वृंदेर आत्मा जे पुरुष नामी हिरण्य गर्भेर आत्मा गर्भदुग साई ये जो बताया ये तीन जलोसाई अर्थात कारणोनुभव साई गर्भोदक साई और क्षीरोदक साई ये जो तीन हैं ये तीन जलोसाई सर्व अंतर्जामी ब्रह्मांड बिंदिर आत्मा जे पुरुष नामी हिरण्यगर्भेर आत्मा हिरण्यगर्भो ये जो हिरण्यगर्भ है ये जो हिरण्यगर्भ
Hiranyagarbha, inner meaning is, inner meaning is, Hiranyagarbha. Hiranyagarbha, what is this? Hiranyagarbha means samasti jeev. Hiranyagarbha means samasti jeev. Infinity jeev is ka samasti. Hiranyagarbha samasti jeev, tad antaryami, garbhadogasai, Basti or Tatpithak Pitha Jigbir Antaryami Purus Kherodogosai. Etin Purusher Otit Purus Turiyo Atta Chaturtho. Tini Krishna Chandir Uhai Krishna Ka Bilas Murti Parabram Narayan Nitanto Mayagandha Shunno. Mayagandha Shunno. Virat Hiranyagarbha Okaran. Ye Sare Jo Maya Sambandhi Upadhi. E Virat Hiranyagarbha और Hiranyagarbha और कारण ये सारे जो है ये माया संबंधित उपाधि है और उपाधि सुनो तत्व तुरियो है तुरियो उपाधि सुनो जो तत्व है तुरियो है बाकी तुरियो अवस्था में है लेकिन याद रखना Hiranyagarbha आत्मा Garbhagatasai, Vastijib Antajami, Kherodukasai, Tamam Jivoka Eksat Ekhai, Garbhagatasai, Ek Ek Jivoka Andarme Betawai, Jo Kherodukasai, Kherodukasai, Aniruddha Vishnu, Esabar Dorsanate, Ache Mayagando, Kherodukasai, Karanam, Kherodukasai, Garbhagatasai, or Karanam Sai, Directly, they have no connection of Maya. But still, they are dealing with Maya. They are dealing with Maya. That's why maybe indirect connection. E sabar darshanate ache Maya gandho. E sabar darshanate, e sabar darshanate ache Maya gandho. Turiyo Krishner nahi Maya sham. ये सब जो कारणों मुसाई, गौरवगुसाई, खिरुगुसाई, ये लोग का माया का कोई कांटेक्ट नहीं है, ये तो जरूर है। फिर भी विचार करके देखो तो माया का साथ थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट कनेक्शन है, माया का साथ इनडायरेक्ट, क्योंकि माया का गीता में भगवान बताया, मायाधक्षेण प्रकृति स्वयते चराचरम Mayadhakshena prakriti swayate characharam. Under my principalship, this prakriti going to give birth all everything. Mayadhakshena prakriti swayate characharam. Lekin, maya ka saath koi direct connection nahi hai. Phir bhi darshan karta hai. Mayadhakshena prakriti swayate characharam. ये सवार दर्शनते आछे माया गंधो लेकिन कृष्णो एक्सक्लूसिवली दे इन गोलोकधाम इसका साथ कोई सृष्टि का कोई किसी का कनेक्शन नहीं है डायरेक्टली कृष्णो का साथ जगत का कोई कनेक्शन नहीं है डायरेक्टली कृष्णो का साथ जगत का कोई तालुकात नहीं ना तो सृष्टि का विषय ना तो मेंटेनेंस में Protection, maintenance, just a coach connection. Krishna exclusively in ke dham mein rehta hai, har vakat with sportive mood. Krishna always with sportive mood. Krishna kuch nahi jante. Krishna ka koi khabar nahi. Nobody disturb Krishna. Krishna always playing. Jo kuch bhi karna hai, sab Krishna engage karke rakha hai. जैसे एक आदमी बहुत धनी आदमी जैसे अंबानी है अंबानी बहुत रिच इन द वर्ल्ड इंडिया में टाटा बिल्ला रिच है फिजिकली दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग दे एंगेज ऑल पीपल दे आर डूइंग ओवरलुकिंग एवरीथिंग तो ये कृष्णो का कोई हेडेक नहीं है Krishna always free and full of sportive mood, no headache. All you do.
I am playing with. Krishna e sabar darshanate ache maya gandho turiyo krishner nahi mayar sambandho. Bhagavad Gita Mahapurana mein 11 skandha mein हमारा सीधर स्वामीपाद, नाम सुना है सीधर स्वामीपाद कमेंटेटर भागवत का, इन्होंने लिखा है बिरार हिरण्य गर्भश्च कारणम है इति उपद उप इति उपाधयोः ईशस्य यत्रिभिर हीनम तुरियम य तुरियम तत् प्रजक्षते यह बताया विराट हिरण्यगर्भ और कारण जो कुछ भी है ये सारे माया संबंधित दे हैव सम टाइटल की रिलेटेड विद माया माया संबंधी उपाधि लेकिन उपाधि शून्य नो टाइटल देयर कृष्णो इज बियॉन्ड एनी लिमिट ऑफ माया और एनी स्मेल ऑफ माया एनी हाउ डायरेक्टली तुरियो कृष्णेर नाही मायार संबंधो भावार्थ दीपिका में हमारा सीधा समीपाद जी ने लिखा है संस्कृत में सुंदर लिखा है बिरार हिरण्य गर्भ बिराड हिरण्य गर्भश्च कारणम चेति उपधाय उपधायो ईश्वरस्यो यत् त्रिभिर्हीनं तुरियं तत् प्रजक्षते यद्यपि तिनेर माया लोहिया व्यवहार ए कारणोन्नवसाई गर्भद गोसाई खेरो गोसाई दे आर डीलिंग विथ माया इनडायरेक्ट यद्यपि तिनेर माया लोहिया व्यवहार तथापि तत्स्पर्श नहीं सबे माया पार ये तीन जो है डायरेक्टली दे आर इन्वॉल्व विथ क्रिएशन ये जो गर्भदोग साई विष्णु है और जो कारण कारणों वो साई विष्णु अनंत ब्रह्मांडों का अंतर्यामी स्व है फिर इच्छित प्रत्येक हर ब्रह्मांडों में गर्भदोग साई ये ब्रह्मांड का अंदर में एक सागर है खीर सागर उसमें भगवान खिरद गोसाई विष्णु अभी कृष्णदास कबीराज गोस्वामी कह रहे हैं कृष्णदास कबीराज गोस्वामी क्लारिफाइंग दिस पॉइंट यद्यपि दो दिस थ्री पुरुष अवतार डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर हेल्पिंग टू फॉर दिस क्रिएशन दे हैव इनडायरेक्टली हैव सम कनेक्शन बट स्टिल दे आर तुरीय वस्तु They are beyond any limit of Maya. Yadyapi tiner mayaloya babuhar, directly, indirectly, they are engaging, doing something. But still, Maya cannot touch them. Yadyapi tiner mayaloya babuhar, yadyapi e tiner mayaloya babuhar, tathapi tatsparsha nahi, sabe maya par. सब माया का पार बियॉन्ड माया ईश्वर तत्व का स्पेशलिटी क्या है ईश्वर तत्व का स्पेशलिटी क्या है व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ ईश्वर तत्व का स्पेशलिटी है भगवान यद्यपि इस जगत में अवतीर्ण होते हैं फिर भी जगत का कोई मटेरियल क्वालिटी इनको स्पर्श नहीं कर सकता ये है भगवत्ता का प्रमाण ईश्वरत्व का एक्सटर्नली यू कैन फाइंड भगवान इज विद इन दिस वर्ल्ड फिर भी माया स्पर्श नहीं करेगा एतत् ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणैर् नयुज्यते सदा आत्मस्थर आत्मस्थैर यथा बुद्धि तदाश्रय एतद् ईशनम ईशस्य ईश्वर का इन्फ्लुएंस ईश्वर का प्रभाव ईश्वर का इन्फ्लुएंस ईश्वर का प्रभाव कहाँ तक है
though he can calm down his material world, still Maya cannot touch. That is the power. Playing everything, doing everything, but Maya cannot touch. Etad ishanam ishasyo, etad ishanam ishasyo prakritistha opitad gunair najujyate sadha atmasthair jatha sadha atmasthair jatha buddhi tadasraya. Prakriti ka andar mein Bhagavan उतार के आए अवतीर्ण हो सकता है, लेकिन प्रकृति का अंदर में उतार के आने का बाद भी प्रकृति का हिम्मत नहीं है भगवान को स्पर्श करे. प्रकृति कैन नॉट डिस्टर्ब भगवान. सो एतद इशनम इशस्व प्रकृति प्रकृतिस्त ओपि तद गुणै नजुज्यते सदा आत्मस्थैर यथा बुद्धिस्तदाश्रया. यही ईश्वरत्व. And Baddhajeev, Maya ka andar mein aya, aur Maya ghat se pakar liya. Baddhajeev kya hai? Maya ka andar mein aya, mani susri liya, but Maya, char aur Maya, Maya ka trap mein a gaya. Lekin Ishwar aisa nahi. Ishwar turiyo, purno. To, ee praman diya raha hai, और ये जो करुणानुसाई गर्भसाई क्षीरसाई से ही तीन जने तुमिर परम आश्रय. ये जो करुणानुसाई गर्भसाई क्षीरसाई सब दे आर ऑल प्रेजेंट अंडर योर शेल्टर. सब तुम्हारा शेल्टर में है परम आश्रय. से ही तीन जने तुम्हें परम आश्रय. ये तीनों का भी तुम मूल ओरिजिनल आश्रय है. तुम्हें मूल नारायण इतने की संशय. व्हाट इज द डाउट दैट यू आर ओरिजिनल नारायण. भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा का साथ थोड़ा मजाक किया. मजाक माने जोकिंग. लेकिन ब्रह्मा ग्रेजुअली वन बाय वन डॉक्यूमेंट दे दिया. यू लाइक टू मेक फूल ऑफ मी. एक्चुअली यू आर ओरिजिनल नारायण. ब्रह्मा ने बोला, प्रमाण दे दिया. ऐसा प्रमाण दिया. ए तीन जनेर तुम परमाश्रय. तुम्हें मूल नारायण इतने की संशय. व्हाट इज द डाउट दैट यू आर ओरिजिनल नारायण. आई प्रूव इट दैट यू आर ओरिजिनल. से तीनेर अंशी पर ब्रह्म नारायण तेह तुमार प्रकाश. तुम्हें मूल नारायण पर ब्रह्म इन वैकुंठ जगत. वहां नारायण बैठा हुआ है. ये नारायण तुम्हारा प्रकाश है और तुम ओरिजिनल नारायण हो. अतएव ब्रह्म वाक्य परब्रह्म नारायण तिहो कृष्णेर प्रकाश. यही तत्व विवरण कृष्ण का प्रकाश है. यही श्लोक तत्व लक्षण भागवत सार तमाम भागवत छानबीन करके इसी सिद्धांत विचार निकाल आएगा. यही श्लोक तत्व लक्षण भागवत सार परिभाषा रूपे यार सर्वत्र अधिकार. ब्रह्म आत्मा भगवान कृष्णेर विहार. ये अर्थ ना जानी मूर्ख अर्थ करे आर. जो लोग बोका है मूर्ख है. जो लोग बोका है मूर्ख है वो ये तत्व सिद्धांतों का कोई ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है. इसीलिए ये लोग उल्टा पलटा व्यवहार कर बोलता है. ब्रह्म आत्मा भगवान ये तीन रूप पकड़कर भगवान विहार करते हैं. जो भागवत जी महापुराण में बोला है बदंती तत्त्वविदं सत्यं ज्ञात ज्ञानम अध्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति साक्षात् विद भगवान इति शब्द. ब्रह्मा आत्मा भगवान कृष्ण का भी विहार. यही जो इनर मीनिंग ये बिना समझे बिना सोचे समझे कोई मूर्ख उल्टा व्यवहार करता है.
murak, foolish. They explain wrong way. Avatari Narayan, Krishna avatar, teho chaturbhug, yo manushwakar, Narayan turiyo, Narayan coming a shankha chakra gada paddho, wheel, club, lotus, everything. Oh, Bhagavan, two hands. Only bangsi. So Narayan, char hat, Krishna ka du hat. Avatari Narayan, Krishna avatar, teho chaturbhuj, yo manushwakar, Krishna, just like human being, to do hand. Ehi mote nana rupe kare purva pakho, tahare nirjite bhagavat paddo dokshyo. इसी प्रकार से कोई व्यक्ति तर्क इसी प्रकार से कोई व्यक्ति तर्क उठा सकता है तर्क लॉजिक अल्टरकेशन ऐसा मापिक यही मौते नाना रूपे करो पूर्व पक्षो ताहरे निर्जिते भागवत पद्धतको जो व्यक्ति ये सब सिद्धांतों समझना नहीं चाहता है जो व्यक्ति ये सब सिद्धांत तो सुनना नहीं चाहता है मनमानी विचार करता है पागल का मापिक इनको डिफिएट करने के लिए इनको चुप कराने के लिए टू मेक हिम साइलेंट भागवत जी महापुराण इज वेरी एफिशिएंट क्योंकि भागवत जी महापुराण में सारे प्रमाण है वदन्ति तत्तत्त्वविदं सत्यं यद् ज्ञानमाद्यं ब्रह्मेति परमात्मा इसमें प्रमाण है सुनो भाई हो ब्रदर सुनो एई श्लोकार्थ करो विचार एक मुख्य तत्व तीन तार प्रचार ओरिजिनल तत्व इज वन बट थ्री डिफरेंट एक्सप्रेशन ओनली सुनो भाई ए श्लोकार्थ करो विचार एक मुख्य तत्व एक ओरिजिनल तत्व है तीन इनके प्रचार है एक्सप्रेशन अद्वैय ज्ञान तत्व वस्तु कृष्ण स्वरूप अद्वैय ज्ञान तत्व वस्तु ओरिजिनल तत्व वस्तु कृष्ण है दीपार्चिरेव दशांतरम अव्यपेत्तो दीपायते विवित्व हेतु समान धर्मा ये सब प्रमाण ओरिजिनली भगवान से कृष्ण सुनो भाई ये श्लोकार्थ करो विचार एक मुख्य तत्व वन इज मोस्ट वाइटल सेंटर पॉइंट मुख्य तत्व वाइटल तत्व एंड तीन प्रकार से इसका प्रचार है अद्वैय ज्ञान तत्व वस्तु कृष्ण स्वरूप ब्रह्म आत्मा भगवान तीन तार रूप जो ब्रह्म जद ब्रह्म निष्कलम अनंत वशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तम तो ब्रह्म आत्मा भगवान तीन तार रूप एक ही भगवान का तीन रूप में प्रकाश इस श्लोकेर अर्थ तुम्हें होइला निर्वचन जब भगवत जी जब हमने भगवत जी महापुराण का ये जब हमने भगवत जी महापुराण का ये प्रमाण पेश कर दिया तो तुम चुप हो गया यू बिकम सेट अप जब हम डॉक्यूमेंट उठाया भगवत जी महापुराण से यही श्लोकेर अर्थे तुम्हें होइला निर्वचन यू बिकम सेट अप व्हेन आई गिव डॉक्यूमेंट ये प्रमाण भगवत से तो तुम बिकम स्पीचलेस प्रमाण है एनादर एग्जाम्पल हम देने जा आर एक सुनो भागवतेर वचन एते चांस कला पुंसह कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदियारी व्याकुलम लोकन मिड़यंति जुगे जुगे दिस श्लोक ए श्लोक एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं भागवत डायरेक्टली स्पीकिंग
Nandanandan Krishna original. And you start argument, how you can stand? Ya ete changso kala pungshaha krishnastu bhagavan swayam indiyari vyakulam lokam midanti yuge yuge. Theek hai? Now ete changso kala pungshaha krishnastu bhagavan swayam. ये श्लोक का ओरिजिनल व्याख्या होनी चाहिए। ये एते चांसु कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये श्लोक का एनालिटिकल व्याख्या होना चाहिए। ये श्लोक का एनालिटिकल व्याख्या होना चाहिए, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तमाम अवतार का कोई सामान्य लक्षण, तमाम अवतार जो है इसका सामान्य सामान्य लक्षण सिंटम है। तार मध्य कृष्णचंद्र करिल गणन, तमाम अवतार कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्पीकिंग, सुतदेव गोस्वामी वांटेड टू स्पीक ऑल ऑफ भगवत तत्व एवरीथिंग and is going to count of avatar together with Krishna. Finally, Sutta Krishna becomes shocked. I should not do it because Krishna is exclusive, so I can keep it alive. So, sab avatar kori samanya lakshan, tar madhye Krishna chandir korilo ganan. First of all, Sutadev Goswami wanted to count all avatar and avatar is samrana. I should not do this mistake. It's exclusive. সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ, তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন। আফটার দ্যাট সুত গোস্বামী বিকেন ফাইটেন, আই শুড নট ডু ইট, এক্সক্লুসিভ অবতার। তা তবে সুত গোস্বামী মনে পাইয়া বড় ভয়, যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়। দেন ফার্স্ট অফ অল সুত গোস্বামী পাদ ওয়ান্টেড টু কাউন্ট ইন জেনারেল ক্যাটেগরি, আফটার নো each one should be categorically should write because he has some speciality. Sab avatarer kori samanno lakshan, tar moddhe Krishna chander korilo ganan. Tob then Sutta Goswami Pada was frightened. He thought, no, categorically each and every I should speak clearly. Jar je lakshan ta korilo nishchoy. Avatar sab purusher kala angsho. Avatar, all avatar, some of them kala, kala mean four part one, kala, angsho, kala, a technical term, foolish, you cannot understand, kala, angsho, teje, ar swayam bhagavan krishna, sarva avatangsho, krishna should not be counted in the same category as all avatar, he is original. Oh no, no, no. Then after that, Swayam Bhagavan Krishna, Sarva Avatamsa. Krishna is Avatari. Krishna is the original. From then all avatar come in. Follow. Avatar Sab Purushe Rangsa Kala, Swayam Bhagavan Krishna, Sarva Avatamsa. Then opponent party fighting. Purva Bhakka Kwaya Tumar Bhalato Bhakchan. Second party going to stop, hey, you are speaking wrong, and this party going to defend, follow, defend. So, Purva Pakkho Kwaya Tumar Bhalato, your explanation is wrong. Purva Pakkho Kwaya Tumar Bhalato Vakyan, Parabhame Narayan Swayam Bhagavan. In Parabhame is the original Bhagavan there. Ehi sloke, ehi artho sloke dekhi, ki ar vichar. This slope going to original speak this thing, the original nana. After that, iske baad, tehu aasi Krishna rupe. Originally bol raha hai, originally bol raha hai, opponent party defend kar raha hai. Opponent party bol le, opponent opponent party
opponent party कह रहे हैं कि अरे नारायण is original, नारायण never took bath. It is more practical to think that from नारायण कृष्ण came. You are speaking opposite. Then Krishnadas Kaviraj Goswami defend two party argument to establish absolute truth. परम तत्व वस्तु को स्थापित करने के लिए ये आर्गुमेंट का जरूरी है, ये आर्गुमेंट जरूरी है. आर्गुमेंट नहीं होने से एक पक्ष को डिफेंड करेगा, हम प्रमाण करें, ये डिफेंड करें, फिर हम प्रमाण करें, इसके बाद आई कैन एस्टैब्लिश एब्सोल्यूट ट्रुथ. जैसे इन कोर्ट, कोर्ट ऑलवेज टू पार्टी फाइटिंग एंड जज सिटिंग एंड इस पे चल रहा है. आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम रखें, क्योंकि उपाय भी नहीं है, फिर दूसरा चर्चा भी है, तो कहाँ. सो यहाँ तक चर्चा का विश्राम रखें. सो हमने क्या, सौ वही पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधक्षजे अहेतु की अप्रतिहता जयात्मा सु प्रसीदति. काल चर्चा होगा इसका ऊपर में. वांछा कल्पतरुष्य के पास सिंधु पतितानंग पावने भो वैष्णवभ्यो नमो.